नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। और शानदार आज महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी, यह 15वीं श्रृंखला है और जबरदस्त तरीके से आप सबने देखा भी, और जो नहीं देखे ये उनका दुर्भाग्य और जो देखे ये आपका सौभाग्य, ठीक ना। तो आइए आज महत्वपूर्ण 15वीं श्रृंखला में हम लोग चलते हैं और चीजें को आप सब जिनको चीजें नहीं आ रही होंगे नोट करते चलिएगा, क्योंकि इसमें करंट भी है, ईवीएस भी है, इतिहास भी है, कला संस्कृति भी है, कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न है, तो सारे तरह के प्रश्नों को शामिल करने का कोशिश किया गया है। तो आइए हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग शानदार तरीके से करेंगे। तो चलिए आइए, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे जापान की संसद को क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार, ध्वनि की संचरण का माध्यम सबसे अधिक किसमें संचरित होता है, ठोस में होता है, दूध को दही से स्कंदित करने की प्रक्रिया रेनिन कहलाती है। तो ये सारे प्रश्न और एक से बढ़कर एक प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेगा, ठीक ना। इक्वाडोर है, इक्वाडोर नहीं, इक्वाडोर, ठीक। तो आइए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को करते हैं और आपके सामने पहला है आपको जो है कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न है और बड़ा ही शानदार, और हर एक परीक्षा में चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो आपको जो है कि पीसीएस हो, चाहे वो आपको शिक्षक पात्रता टेस्ट हो, तो हर एक परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। करनाल बंट रोग किससे संबंधित है? तो करनाल बंट रोग जो है ये आपको किससे संबंधित है, तब बताइएगा, जौ से संबंधित, गेहूं से, बाजरा से या ज्वार से? तो करनाल बंट जो है एक फफूंद जनित रोग है और यह आपको गेहूं से संबंधित है। ये रोग आपको गेहूं से संबंधित यह रोग माना जाता है, ठीक ना। और ये रोग आपको किस कारण से होता है? तो एक तरह का ये कुंठित रोग या कुंठ रोग के रूप में, कुष्ठ रोग का लोग गेहूं का कुष्ठ रोग के रूप में भी यह आपको माना जाता है। और ये किसके माध्यम से? तो आपको जो है कि मृदा के माध्यम से फफूंद जो है ये पौधों में लगते हैं और ये काफी नुकसानदेह भी होते हैं। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी साइट्रिक अम्ल, स्कर्बिक अम्ल, थायमिन या टार्टरिक अम्ल? तो विटामिन सी को आपको साइट्रिक कहते हैं कि स्कर्बिक अम्ल कहते हैं? तो स्कर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का, स्कर्बिक एसिड इसका आपको जो है नाम है, ठीक, ये बातें। अब विटामिन सी आपको जो है तो दो विटामिन, विटामिन बी प्लस विटामिन सी, ये आपको जल में घुलनशील माना जाता है, और ए प्लस डी प्लस ई प्लस के, ये आपको वसा में घुलनशील सील माना जाता है। साथ ही साथ आप सबको बता दें आपको जो है कि सबसे सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो आंवला में आपको सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मसूड़ों में पस का आना या मसूड़ों से खून का बहना विटामिन सी की कमी से आपको होने वाला प्रधान बीमारी माना जाता है, या स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, या सर जॉन मार्शल को, या आपको जो है कि मार्टिन, ये मार्टिमर नहीं है, मार्टिन व्हीलर को, या जेम्स प्रिंसेप को? तब सबके सब नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइएगा कि आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में कलकत्ता में, कहां पे? कलकत्ता में कनिंघम के द्वारा किया जाता है। वहीं सर जॉन मार्शल जो थे ये भारत के पुरातत्व विभाग के
प्रथम महानिदेशक थे और इन्हीं के समय में सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत खोज की गई थी, ये बातें हैं। वहीं जेम्स प्रिंसप ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो ये ढेर सारी बातें आप सबसे संबंधित चीजों को एक को पकड़िए और सबको नाप दीजिए, यही परीक्षा का सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। आपको यदि चार के चारों ऑप्शन आते हैं, चार में से तीन भी आता है तो चौथा अपने आप हो जाएगा, ठीक ना। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि चार के चारों ऑप्शन को हम सब जाने। नेक्स्ट देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये दिमाग में भर लीजिए कि जो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर होगा, वह 1857 की क्रांति के समय आपको इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया होगा, तो वह व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग जो था ये 1855 के अंत में आया था और आपको जो है 1862 ईस्वी तक भारत में रहता है। तो ये आप याद करिए कि लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया था। साथ साथ ही एक और बातें, 1 सितंबर 1858 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र को इसने पढ़ा था। किसे? घोषणा पत्र को आपको इलाहाबाद में ही पढ़ा था, इलाहाबाद में ही पढ़ा था, ठीक ना, इलाहाबाद में पढ़ा महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र को। और इसी घोषणा पत्र के तहत 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है यह आपको आया था। तो चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ या ना? यदि आ रही हैं तो हाथ को उठाइए और बताइए। मैं देख रहा हूं आप सबको कि आप हाथ उठाएंगे, क्योंकि नाम लेना बड़ा पॉसिबिलिटी नहीं होता, नाम लेने लगो तो समय उसी में चला जाता है और दिमाग में जो कुछ अच्छी चीजें रहती हैं वो भी गायब हो जाता है। तो चाहते हैं कि आप सबको कुछ बातें दे दी जाए। वही लॉर्ड कार्नवालिस के समय में आपको भारतीय पुरातत्व विभाग तो नहीं जनक कह सकते हैं या, लेकिन भारत में ये कह सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था का जनक, भारत में आपको जो है कि जमींदारी व्यवस्था का जनक, भारत में आपको जो है कि कई व्यवस्थाओं का जनक जो है सिविल सेवा व्यवस्था की जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन जब आपसे पूछे कि प्रथम यूरोपीय कौन था जिसने सहायक संधि को जन्म दिया, तब आप बताइएगा कि लॉर्ड आपको डुप्ले, फ्रांसिस डुप्ले जो था ये पहला व्यक्ति था जिसने सहायक संधि को जन्म दिया। और एक सवाल इससे और पूछता है, इसे पूछता है कि जब विश्व में नेपोलियन बोनापार्ट का पटाखा फहर रहा था, यानी पताका जो था लहरा रहा था, तो भारत में उस समय कौन था जो अपना झंडा गाड़े हुए था? तो वह लॉर्ड वेलेजली था। और लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। साथ साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम वायसराय बने थे, ठीक ना। ये भारत के प्रथम वायसराय 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, और इनके समय में ही 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा का प्रतिबंधित किया गया था, सती प्रथा का प्रतिबंध किया गया था, सती प्रथा को प्रतिबंधित राजा राम मोहन राय के सहयोग से किए थे। देखिए नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट शानदार तरीके से ई बुक्स आपके सामने है और आप इसे जरूर पढ़िए, आपकी सफलता में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगा, ठीक ना। ये बातें आप सबके लिए जबरदस्त तरीके से बता रहा हूँ, ये चीजें आप सबके सुनहरे भविष्य में काफी सहायक भी होगा, ठीक। अब नेक्स्ट आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय व्यवस्था, ये सभी चीजें आपको जो है शानदार तरीके से मिलेंगे और यह आपके पढ़ाई में बहुत ही सहायक भी सिद्ध होगा। ये आपसे मेरा वादा है, दावा है कि आप जरूर एक बार लीजिए और देखिए। ये चूंकि देखिए इधर उधर निवेश करने से अच्छा है कि आप शिक्षा पर निवेश करिए और किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए, सबसे सफलता का सही मंत्र। यदि आप ज्यादा चीजें इधर उधर देखेंगे उतने ही प्रयास है। मैं एक बार फिर पुनः बताऊंगा कि एक ही चीज को बार बार पढ़िए, वनस्पति 10 बार 10 किताबों को अलग अलग तरीके से पढ़ने से, एक ऑथेंटिक बुक को उठाइए और उसे ही बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, जरूर सफलता आपके कदमों को चूमेगी
ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो आपसे एक और वादा है कि प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और शानदार तरीके से बैच को रन होने दीजिए। यह आपके लिए है, आप सबके लिए है और आपके सुनहरे भविष्य के लिए है, ठीक ना। तो निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्क ए चिहलगानी का दमन किया था? अब देखिए, तुर्क ए चिहलगानी का दमन किसने किया था ये पूछा है, और पूछ ले कि गठन किसने किया था, तो गठन करने का काम जो है इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश के द्वारा गठन किया गया था, और आपको दमन किया गया था बलबन के द्वारा। ये तुर्क ए चिहलगानी क्या था, तो 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था, 40 तुर्क सरदारों का संगठन था जो कि इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश के शासन करने के समय काफी सहायता इल्तुतमिश को की थी। बलबन भी इस तुर्क ए चिहलगानी का सदस्य हुआ करता था, लेकिन जब बलबन गद्दी पर बैठा तो उसके समय में विद्रोह देखने को मिला, अंत में बलबन के द्वारा तुर्क ए चिहलगानी का दमन कर दिया जाता है। नेक्स्ट ये आपके सामने, ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविनसन जुड़े हुए थे किससे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? ये आपको एच डब्ल्यू नेविनसन जो थे ये आपको भारत में स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में कहीं ना कहीं स्वदेशी आंदोलन जो था ये बंगाल विभाजन से भी संबंधित था, और स्वदेशी आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों का जब इनकार किया गया भारतीय लोगों के द्वारा, तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके निंदा की थी, ठीक ना। ये बातें भी आप याद रखे रहिएगा, स्वदेशी आंदोलन के समय में भारतीय शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, और इसी समय कई विद्यालयों के स्थापना आपको भारतीय लोगों के द्वारा किया जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर हो चाहे आपको रविन्द्रनाथ टैगोर हो, इन सबके द्वारा भारतीय जो है शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने की बातें की गई हैं, एक तरफ आपको आचार्य और दूसरे तरफ सिद्धांत है, तब आप बताइएगा कि लकुलिस जो थे एक पशुपत संप्रदाय के आचार्य कहे जाते थे, और भगवान शिव के 28वें अवतार भी इन्हें बताया गया है। नागा अर्जुन जो थे ये शून्यवाद के प्रवर्तक थे, जबकि गोसाल जो थे मोगली पुत्र गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के थे, और भद्रबाहु जो थे ये जैन संप्रदाय से संबंधित थे, और जैन संप्रदाय में भद्रबाहु और स्थूलभद्र, भद्रबाहु जो थे ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक ना। ये बातें भी आप सब याद किए रहिए, तो इस तरह से पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, 3-2-1-4-1-3-2-4-1 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा, 2 बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तो आप सबके लिए ये चीजें जरूर से देखिए, जरूर से पढ़िए और चीजों को समझिए, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करने के लिए, तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है, ठीक ना। वही आपको जो है यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण है, आपको जो है ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय है, वही सामवेद का 25 है, और आपको जो है यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, तब ये आप मिलान कर सकते हो, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, तो 3-4-1-2 ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर बच्चा, आपको 3 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हुआ। और यही बात, जब तक आप पूरा पढ़ोगे नहीं तब तक आपको सफलता मिलने मुश्किल है, क्योंकि भारत का कला और संस्कृति के अंतर्गत ये बहुत बड़ा पार्ट जो है रोल अदा करता है, तो इसलिए ये आपकी सफलता में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। आइए यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार बैच आपके लिए, आप सबके सफलता के लिए, इसमें 600 वीडियो प्लस है, यानी 600 वीडियो का मतलब 600 घंटे
अब 600 घंटे पर डे 5 घंटे पढ़िए तो अंदाजा लगा लीजिएगा कि 600 घंटे कितने महीने में आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा है, और इसके साथ साथ आपका मेहनत ही आपको आगे ले जाएगा। मेरे कहने चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है, यदि आप ना पढ़ो ना करो, चूंकि अब आप बच्चे नहीं हो, बचपन से पिताजी चिल्लाते होंगे बाबू पढ़ लो, बाबू पढ़ लो, मैया पढ़ लो, फलना कर लो, लेकिन हम सबने क्या किया, यदि पढ़े होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती, चाहे मैं चाहे आप, कोई भी। सत्यता से रूबरू होना चाहिए, यदि सत्य से रूबरू नहीं है तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा असफलता का कारण है, और यदि सत्य से रूबरू हैं तो आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। आपकी मेहनत है आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा एक दिन जरूर से, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। मैं चूंकि मोटिवेशनल नहीं करना चाहता कि आप सब पता नहीं बुरा मानेंगे अच्छा मानेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको एक से बढ़कर एक कहानियां, एक से बढ़कर एक चीजें बताने का कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें कुछ बच्चे भागने लगते हैं, इसीलिए लगता है कि क्या फायदा देने से इतना, बाकी की चीजें जब आप सिर्फ वही टिक्का मार सीख लिए हैं तो टिक्का ही मारिए। बहुत लोग तो इसमें भी कि क्या इतना डीपली पढ़ा रहे हैं सर, अभी देखिए कुछ लोग भाग भी गए, भाग रहे हैं ना, आप खुद ही देखिए ना, पढ़े लिख, अब जाने दीजिए, मैं विशेष नहीं कहूंगा आप सबको। चलिए नेक्स्ट देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है, सोडियम है या आपको गंधक है या पोटेशियम है या लोहा है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम बहुत आवश्यक होता है, ठीक ना। पोटेशियम जो है ये हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है, ये बातें आप सब याद किए रहिए। देखिए साइंस का क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, तो पोटेशियम खनिज जो है ये आपको आवश्यक माना गया है, ये 8 में भी, ये आपको जो है कि 9 क्वेश्चन दो बार आ गया है, क्या भाई 9 क्वेश्चन दो बार। अब 10 क्वेश्चन को देखिए, ये निम्न में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा के प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आपको या पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक आयोडाइड, तब बताएगा सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है ये आपको कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, और सर्वप्रथम कृत्रिम वर्षा के लिए इसका प्रयोग जो है कब किया गया था, तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है 1946 ईस्वी में आपको V1 गुट के द्वारा इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, ठीक ना, V1 गुट के द्वारा इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखो यहां पे आपको पुस्ताद, पुस्ताद चूंकि हंगरी में घास मैदान है, ये पुस्ताद जो है हंगरी में है, और डाउन्स को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में है, यानी बी का चौथा किस में है, बी का चौथा आपको एक से ही मिल गया, और आपको डी का पहला, तो ये इस तरह से पंपास जो है ये कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है, और वेल्ड कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर बच्चा, एक जवाब जो है ये घास मैदान जरूर से याद कर लीजिएगा, हर एक परीक्षा में घास मैदान, हवाएं, आपको आपको जो है के विभिन्न आपको जल डमरू मध्य जो है, यानी आप कह सकते हो फिर आपको मरुस्थल, आपको सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे लंबी नदियां, ये सब आप ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण बातों को जरूर से याद रखे रहिएगा, ठीक ना, और यही आपकी सफलता में सबसे अहम भूमिका भी अदा करेगा। देखिए आपको रेलवे ग्रुप डे शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको दिया गया है, साथ ही साथ यूपी पुलिस का बैच भी आपको शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये आपको महत्वपूर्ण रूप से दिया गया है, और इसके लिए आप सब जो है एक सफल प्रयास, एक मेहनत जबरदस्त तरीके से करिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी, ये गारंटी के साथ मेरा वादा है आप सबसे कि कोई भी आपको सफल होने से
नहीं रोक सकता, ये बातें आप याद रखे रहिए। नेक्स्ट देखिए, आपको डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा को निर्धारित करता है, ये आपको डुरंड लाइन जो है, ये डुरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान या अफगानिस्तान भारत के बीच आपको जो है सीमा का निर्धारण करती है। जबकि मैकमोहन रेखा जो है ये किसके बीच, तो भारत और चीन के बीच, यहाँ पे मैकमोहन रेखा, ठीक ना, मैकमोहन, भारत चीन, ये आप याद कर लीजिए। और आपको जो है वहीं पे रेड क्लिफ, रेड क्लिफ ये आपको किसके बीच, तो भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान। और यहीं पे जीरो लाइन, ठीक ना, जीरो लाइन, जेडीआरओ, जीरो लाइन जो है ये किसके बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है, बांग्लादेश के बीच आपको जीरो लाइन रेखा निकाल खींचा गया है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आपके लिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो मृदा वर्ग में आप आओगे तो भारत में दूसरे सबसे अधिक नंबर पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, तो ये लाल मिट्टी है, दूसरा सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा मृदा वर्ग, मृदा वर्ग पहले नंबर पे कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 43.7% के लगभग भारत में जलोढ़ मिट्टी आपको पाई जाती है। ये क्यों लाल होता है, तो लोहे के ऑक्साइड के कारण, यानी फेरस और फेरिक्स, फेरस या फेरिक की मात्रा के अधिकता के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। और इस मिट्टी में गेहूं, बाजरा, ये सब अधिक उपजाया जाता है। साथ साथ ही आप जाएंगे तो ब्राजील में सबसे अधिक जो है लाल मिट्टी में है, कहवे की खेती की जाती है, कहवे के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय जगत में लाल मिट्टी को टोरा रेसा के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें आप याद कर लो, ठीक ना, ये महत्वपूर्ण बातें आपके लिए है। नेक्स्ट देखो, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, यानी सबसे अधिक वर्षा आपको भारत में कहां से प्राप्त होती है, ये उत्तरी पूर्वी मानसून से, या आपको वापस होते हुए मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, या संवहनिक वर्षा से, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। जबकि आपको संवहनीय वर्षा जो है ये लौटती हुई मानसून से, आपको भारत में 5% वर्षा लौटते हुए मानसून से दिसंबर महीने में होती है। और भारत में जो वर्षा है ये सबसे अधिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ये अगर भारत का मैप है तो ये देखिए, ये इस तरह से मानसून भारत में चलते हैं, इस तरह से आती है, ठीक ना, और ऐसे आती हुई फिर आपको यहाँ टकराती है और यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है, और इस तरह फिर ये हिंद महासागर में दाब बनता है, इस दाब से ऊपर की ओर चढ़ती है, और फिर आपको ऐसे यहाँ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, ये गारो खासी, और इसीलिए मानसून राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है। और फिर ये इस दिशा में आपको तय करती हुई भारत के लेह लद्दाख में आपको पहुंचते हैं, और सबसे कम वर्षा आपको लेह में होती है, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में, और सबसे अधिक मानसून राम में आपको सबसे अधिक वर्षा होती है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, और आप जरूर जानिए, ये बातें एकदम बिल्कुल चीजों को समझते चलिए। नेक्स्ट देखो भाई, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से हुआ है, सतपुड़ा से, ब्रह्मगिरी से, या अमरकंटक से, या पश्चिमी घाट की ढलान से, तब बताएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक से हुआ है। ये आप देखोगे तो ये भारत है, और ये यदि भारत का डायग्राम देखिए तो यही आपको मध्य प्रदेश का पूरा सीमा है, इसी के समीप से आपको नर्मदा नदी ऐसे निकलते हुए, ये आपको नर्मदा है, और इधर बहती हुई ये आपको जो है ये बिहार चली जाती है सोन, ठीक ना, तो नर्मदा और सोन का उद्गम एक ही स्थान पर हुआ है।
साथ साथ ही एक टोंस नदी है जो गंगा में इलाहाबाद के समीप प्रयागराज के समीप आकर मिलती है, ये भी आपको मानी जाती है। और नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, अरब सागर या खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ठीक ना, की खाड़ी में गिरती है। और अमर ये नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और एक बात और बता दे, पश्चिम में जितनी नदियां गिरती हैं सबके सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और पूर्व में जितनी नदियां गिरती हैं सबके सब डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ये अपने दिमाग में पूरी तरह से धसा लीजिए, कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक ना, ये बिल्कुल कभी भी गलती आप नहीं करोगे, ये बातें याद रखे रहिए। नेक्स्ट देखिए, ये नेट आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम होता है, और जो व्यक्ति पीजी कर लिया होता है वही देता है। आप सबके लिए चूंकि नेट पास करना आज के समय में बहुत बड़ा, आपको बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये उपलब्धि गिने चुने लोगों को मिलती है, चूंकि इस परीक्षा को पास करना कोई आसान काम भी नहीं होता, लगभग 6% के लगभग रिजल्ट आता है। तो इसमें आपको यदि पहले पेपर में कहीं दिक्कत है तो वैसे स्थिति में हमारी संस्था पहले प्रश्न पत्र के लिए सभी को ये देता है कि आप जरूर से परिचित करिए। 100 घंटे का आपको क्लास है, साथ ही साथ स्मार्ट PDF मटेरियल है, इसके साथ साथ आप जो है ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं और क्लास को ले सकते हैं, ये बहुत बड़ी सफलता का आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? तब आपको महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद इकबाल ने, या लोकमान्य तिलक ने? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था, केसरी एवं मराठा, ठीक ना। और ये आपको कब प्रकाशन दोनों का किए थे? तो 1881 ईस्वी में केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 में ये आपको जो है कि बीजी तिलक के द्वारा ये किया गया था, ठीक ना। ये आपको जो है केसरी ये किस भाषा में था? तो ये मराठी भाषा में, मराठी में। और आपको जो मराठा था ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में, ठीक ना। ये बातें भी आप सब याद कर लीजिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा गया है और बना है, ठीक। तो ये बातें विशेष रूप से आप सबके लिए, आपकी सफलता के लिए अनिवार्य जरूरी है। और ये जरूर से ये 81 पढ़िएगा भाई, ये कोई दूसरा नहीं पढ़ लेगा यार, ये 81 1881 ही इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट किलिमंजारो है, ये कहाँ है? तो इसकी ऊंचाई लगभग आपको 5800 आपको जो है मीटर है, और कहाँ है? तो ये तंजानिया में है, तंजानिया में आपको है। इससे आपको कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा इसके बीचों बीच होकर गुजरती है, कर्क रेखा बीचों बीच। लेकिन यह चूंकि आप सबको पता है कि हिमलाइन 3000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर बर्फ स्वयं जम जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह पर्वत भी बर्फ से ढका हुआ है, ठीक ना। ये बातें आप सब याद किए रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को आपको ये प्रमुख एक तरफ पर्वत है, ज्वालामुखी है, पर्वत मत कहो, ज्वालामुखी है, और दूसरे तरफ आपको देश या द्वीप का नाम दिया गया है, ये आपको इस्तांबुली, इस्तांबुली आपको सॉरी देख लो फ्यूजियामा, ये जापान में आपको पाया जाता है। कोटोपैक्सी ये आपको इक्वाडोर में है, वही आपको इस्तांबुली, आप देखो बता दिया, ये पहले दूसरे का पहला, दूसरे का पहला किसमें है? दूसरे का पहला दो जगह आया, और तीसरे का चौथा, तो यानी अब इस्तांबुली इटली में है, और इटली के सिसली द्वीप में है भैया, ठीक ना, इटली के सिसली द्वीप, सिसली द्वीप ये याद कर लो, सिसली द्वीप में है।
इस्तांबुली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। कहते हैं ना भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और एटना माउंट एटना जो है ये लिपारी द्वीप, ये भी इटली में ही है, ठीक ना, इटली के लिपारी द्वीप में, और ये इटली के सिसली द्वीप में इस्तांबुली है, ठीक। तो ये इस तरह से आप देखो तो आपको जो है कि पहले का तीसरा कहां पे सही हुआ, पहले का तीसरा कहीं सही हुआ, ये भैया गलत हो गया। ये देखिए ये एक बार कहीं गड़बड़ मिला दिए। देखिए भाई ये आपको कोटोपैक्सी इक्वाडोर में बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब इस्तांबुली कहाँ पे, तो इस्तांबुली लिपारी में और एटना जो है सिसली द्वीप में। तब आप सही हो जाएंगे, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। इस तरह से ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। 2 जो है ये बिल्कुल आपको सही जवाब हुआ, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। तो एक बार आप सबसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये आपके लिए शेयर और लाइक प्लीज प्लीज। यदि ना समझ में आए तब तो ठीक है कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, यदि नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर नहीं आ रहा, मैं तो पढ़ तो रहा हुई हूँ ना। तो ये चीजें आप जरूर से करिए। ये देखिए ये राजस्व लेखपाल का शानदार मैच हमारी संस्था की ओर से आप सबके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये हमारी संस्था आपको उपलब्ध कराती है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए जरूरी है और आप सब एकदम तन्मयता के साथ जबरदस्त तरीके से पढ़ें और सफलता को प्राप्त करें, यही आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं मैं देता हूं। और चीजें हैं, विश्व का सबसे निचला गर्त मेरियाना गर्त जो है ये आपको दुनिया का सबसे निचला स्थान है, ये कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। कहाँ, प्रशांत महासागर में आपको है। इसकी गहराई कितनी है, तो 11033 मीटर जो है, यानी हिमालय से लगभग 1.5 गुना पृथ्वी नीचे गहरा है। तो ये आपको फिलीपींस के पास है, ठीक ना, फिलीपींस के पास दुनिया का सबसे गर्त जो है, निचला स्थान जो है मेरियाना ट्रेंच जिसे बोलते हैं, मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं, ये आपको प्रशांत महासागर में है और 11033 मीटर गहरा है। नेक्स्ट, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ये आपको एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है, रेनिन है, रेजिन है, या सीट्रेट है, तब रेनिन नामक एंजाइम जो है दूध को दही में परिवर्तित करने का काम आपको करते हैं, ठीक ना, दूध को दही में परिवर्तित करने का काम रेनिन के द्वारा किया जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, जलवाष्प है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या सभी है, तो सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट के समय जलवाष्प निकलता है, लेकिन ये सभी गैसें जो हैं, ये जलवाष्प जो हैं, ये सभी गैसें निकलती हैं। और ज्वालामुखी को एक बात बता दें, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, ये सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच के रूप में हम इसे जानते हैं, सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ के रूप में जानते हैं, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको हुई। हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से नितिन सर ने पढ़ाया है और ये आपको नया बैच हर आपको ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा यह पढ़ाया गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं, आपके सफलता में ये बहुत बड़ा सहायक भी है, ठीक। तो आइए हम सब आगे महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। ये ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, ठोस, द्रव, निर्वात या गैस में, तब सबसे अधिक आपको ठोस में ध्वनि का आपको जो है संचरण होता है। ध्वनि, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ध्वनि किस प्रकार का तरंग दैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है,
ठीक ना, ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए। ध्वनि किस प्रकार का तरंग दैर्ध्य है ये कमेंट बॉक्स में आप सबके लिए छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि आप पन्नों को पलटिए, पन्ने जब तक पलटेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। इसी बहाने कम से कम पन्ने तो पलटेंगे किताब के, कि सर ने बताया, सर ने पूछा, और यदि नहीं पलटते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। और वही बात जो है ना, जब कर्म फूटा जाए तो क्या करब, कुछ नहीं कर सकता। ठीक, चला। ये निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ये दर्रे हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर इसे व्यवस्थित क्रम में लगाने की बात जो है आपको की गई है। तो ये उत्तर से दक्षिण में आइए हम सब लगाते हैं। पहले आपको जो है ये जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा सबसे ऊपर की ओर आपको जो है ये मैप बना लो, तो जोजिला दर्रा सबसे ऊपर आपको मिलेगा। ये यदि इस तरह से भारत का मैप बनाया जाए और ऐसे कर लो, ये जो भी हमको बहुत अच्छे से मैप नहीं आता, ठीक ना, ये तो ये आपको यहीं पे जोजिला दर्रा आपको यहीं पड़ेगा। यहां आपको पीर पंजाल पड़ेगा, फिर आपको सिक्किम, यहां आओगे सिक्किम में नाथुला पड़ेगा, और यहीं आप जब आओगे हिमाचल प्रदेश में तो आपको जो है ये पड़ेगा। तो आप मिलान कर सकते हो, सबसे पहले आपको जोजिला दर्रा दो नंबर को, फिर पीर पंजाल को कर सकते हो एक को, फिर आपको सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और तब आप उत्तर में करिएगा आपको नाथुला तीसरे नंबर पे। तो इस तरह ऑप्शन संख्या टू इज योर राइट आंसर बच्चा, दो एक एक जो है ये बिल्कुल आपका सही जवाब माना जाएगा, एक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, तो इस तरह आप सबने देखा किया होगा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, तो ये आपको जो है केशवानंद भारती केस में आपको यह निर्णय दिया। और केशवानंद भारती केस कब आया था, तो 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ये आपको आया, और इसी के तहत आपको जो है 1976 ईस्वी में 1976 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है केशवानंद भारती के तहत संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसे संविधान का प्रमुख अंग बताया गया। ये एक बार एकमात्र बार संशोधन है भारतीय संविधान में, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो लघु संविधान के नाम से भी आपको जानते हैं। इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करती थी। नेक्स्ट, संविधान की 9वीं सूची के न्यायिक पुनर्विलोकन के उच्चतम न्यायालय के किस मामले में विनिश्चय से अनुज्ञ बनाया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने भैया, एम नागराज बनाम भारत संघ ने, मुनरवा ने, ये आपको जो है कि आई आर कोल्हे बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में ये बातें आपको देखने को मिली थी। आई आर कोल्हे बनाम तमिलनाडु वाद में इस बात को देखने को मिला, और ये कब आया था, तो 2007 ईस्वी में इस वाद को आया था, ये 2007 ईस्वी में यह वाद आया था। नेक्स्ट, ये NTPC CBT2 शानदार तरीके से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं, यानी अपने ज्ञान का आप जो है परीक्षण कर सकते हैं कि आप कितना नंबर पाए हैं, कितना पाने के योग्य हैं, कैसी तैयारी है। इसीलिए आप सबको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा स्टडी 91 उपलब्ध कराता है।
गला सूख जा रहा है, गर्मी का मौसम है, शाम को भी गर्मी लगने लगी है। ये देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, और इसका प्रधानमंत्री जो होता है ये पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष। वैसे आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री कई चीजों का पदेन अध्यक्ष होता है, जैसे योजना आयोग का, योजना आयोग का। जैसे आप देखोगे अब नीति आयोग योजना आयोग के जगह में नीति आयोग हो गया है, ठीक ना। आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। आपको राज्य जो है कि एक क्या बोलते हैं उसको, बड़ा अच्छा नाम है आपको, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक ना, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय परिषद का भी प्रधान आपको जो है, ये जो है प्रधानमंत्री होता है। तो ये सारी बातें भी आप सब लर्न किए रहिए, समझे रहिए। भारत में प्रथम एनजीटी की स्थापना कब और कहां किया गया, तब आप बताइएगा कि भारत में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक ना, इसे हरित न्यायाधिकरण के नाम से जानते हैं, और नई दिल्ली में आपको इसके स्थापना की गई थी, ठीक। ये आपको पर्यावरण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इसका किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल, गोयल इसके अध्यक्ष है। और इसके पहले स्वतंत्र कुमार सिंह जो थे, स्वतंत्र सिंह इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। नौवीं अनुसूची में शामिल किन विषयों की संवैधानिकता का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकते है? ये 10 मार्च 1973 के बाद या 15 मार्च 1973 के बाद, या आपको जो है कि 14 अप्रैल 1973 के बाद, या 24 अप्रैल 1973 के बाद। ये बड़ा ही कठिन सवाल है, और आप इसका जवाब भी दे सकते हैं कि 24 अप्रैल 1973 के बाद आपको जो है ये संवैधानिकता का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। ये नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपको पता ही होना चाहिए कि संविधान का प्रथम संशोधन जो था, प्रथम संशोधन आपको जो है भूमि संबंधी, भूमि अधिग्रहण, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम जो था ये इसी से संबंधित है, और नौवीं अनुसूची में इसे ही शामिल किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को सन्निकट पाया है। तो निजता का अधिकार जो है 21 ग में, कहां पे, 21 ग में निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। ये आपको किसी भी व्यक्ति के निजी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जैसे हम फोन रखें एंड्रॉयड चलाएं या नॉर्मल, ये आप नहीं हमको सलाह दे सकते हैं कि नहीं नहीं आप यही चलाइए, ठीक, ये मेरा निजी मामला है। या जैसे मैं किससे क्या बातें करता हूँ, ये आप टैप फोन टैपिंग वैपिंग का मामला जो है निजता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के जो मौलिक बातें हैं उसे आप जो है कि उससे वंचित नहीं कर सकते हैं, इसे अनुच्छेद 21 ग में रखा गया है, ठीक। तो ये बातें आपको हुई। नेक्स्ट देखिए, हमारे संस्था की ओर से शानदार तरीके से आपको जो है कि लेखपाल का बैच ग्राम विकास का आपको जो है ये किताब जबरदस्त लिखने की कोशिश किया हूँ, जरूर पढ़िएगा आप सब। यदि आप सब देंगे तो जरूर पढ़िएगा लेखपाल की वैकेंसी, बहुत ऐसे आप में से होंगे जो कि लेखपाल भी देंगे, तो जरूर से आप पढ़िएगा। और ये परीक्षा सिर्फ ये मत समझिए कि ये सुपर टेट के लिए है, किसी भी एग्जाम के लिए इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। ये नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा,
ऐसा किसने कहा था? तो भारत का संविधान भारतीयों द्वारा हो, ये बातें आपको महात्मा गांधी ने कही थी। कब कही थी? तो 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सर्वप्रथम यह बात कही थी, भारत का संविधान हो और भारतीयों द्वारा निर्मित हो, ये किसी विदेशी के द्वारा निर्मित न हो। ठीक ना? तो ये बातें महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र पदच्युत के रिक्त स्थान को अधिकतम कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? तो अधिकतम 6 महीने के भीतर आपको उसके पद को भर दिया जाना चाहिए। और इस अवस्था में जो होता है, आर्टिकल नंबर आपको जो है 65 अनुच्छेद 65 आपको जो है क के तहत जो है उपराष्ट्रपति यह कार्यभार को संभालता है। ठीक ना? और आपको 65(3) के तहत आपको 65(3) का मतलब ग के तहत समस्त वेतन एवं भत्ते उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति वाले दिए जाते हैं। ये बातें भी आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। ठीक? तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। अगला, आपको संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का अधिकार एवं कतिपय मामलों में सजा को समाप्त करने एवं निलंबित करने का अधिकार? तो आर्टिकल नंबर 71 में आपको राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार दिया गया है। ठीक ना? ये आपको क्षमा दान करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अरे बाबा, सॉरी, ये 71 नहीं भाई, 72 में, सॉरी भाई, ये 72 में आपको दिया गया है। जबकि 71 में क्या बात कहा गया है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद को राष्ट्रपति, देखिए यही होता है दिमाग, दिमाग से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होता, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित से संबंधित वाद सुनने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को आपको सुनने का अधिकार है, किसी दूसरे को नहीं है। ठीक? नेक्स्ट देखिए, हमारे नितिन सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से लिखा गया है और आपकी सफलता में ये बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको जरूर से परिचित किए होंगे और पढ़े होंगे, तो आपको शानदार लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अच्छाई और बुराई दोनों को बताया करिए, चूंकि इंसान में दोनों गुण होते हैं, नो वन इज परफेक्ट, एक बातें याद रखिए। ठीक ना? और जिसको जितना आता है उतने में वो सिमट कर न रहे, अपने ज्ञान को वो भी बढ़ाए, और आप सबको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप सबसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है, आप जरूर बताइएगा। ठीक ना? चीजें समझ में आ रही हो वो भी बताइएगा। भारत में जाति पर आधारित प्रथम जनगणना कब हुआ था? ये आपको 1931 ईस्वी में जाति के आधार पर आधारित पहली जनगणना हुई थी, और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन जो था, इरविन के शासनकाल में पहली बार आपको भारत में जातिगत जनगणना आपको कराई गई थी। ठीक ना? जातिगत जनगणना 1931 ईस्वी में हुई थी। जबकि भारत में पहली जनगणना की बात की जाए, तब आपको 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आपको प्रथम जनगणना, और 1882 में आपको लॉर्ड रिपन, सबको जानता होगा, के काल में आपको जो है काल में प्रथम दशकीय जनगणना। ये सारी बातें आप लोगों को लगता है कि बहुत आसान बोलना होता है, बोलना बहुत कठिन होता है। ठीक ना? और मौन रहना सबसे बड़ा व्रत होता है, लेकिन पेशा ऐसा है कि बिना बोले काम चलने वाला नहीं है, तो इसीलिए बोलना पड़ता है, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, ये करंट का मैटर है। ठीक ना? ये करंट का मैटर है। 2021 में किस राज्य को पहला स्थान आपको दिया गया है? तब बताइएगा कि पहले स्थान पर आपको आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य जो है पहले स्थान पर आपको है। चलिए नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में
आपको बड़ा ही शानदार प्रश्न होगा, उम्मीद करते हैं, चूंकि सही मिलान करने के लिए आ गया। अब एक तरफ जो है नवीन योजनाएं हैं और उन योजनाओं को मिलान करने की बातें आप सबको कही गई है कि मिलान करिए। तो देखिए, आइए हम सब मिलान करते हैं, देखते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। आमा योजना और बहिनी योजना, ये मैंने आप सबको कई बार पढ़ाया है और ये सिक्किम राज्य के द्वारा आमा योजना और बहिनी योजना चलाया गया है। जबकि आपको बातें की जाए तो दलित बंधु योजना किसके द्वारा, तो तेलंगाना राज्य के द्वारा दलित बंधु योजना आपको चलाया गया है। और साथ ही साथ कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया है। और मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा राज्य के द्वारा चलाया गया है। तो इस तरह पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ये, चौथे का बी। अब कोई ऑप्शन है सी डी ए बी, ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। आपको 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। ये आपको लेखपाल शानदार तरीके से मैंने लिखने की कोशिश किया है। सामान्य ज्ञान जरूर से पढ़िए एक बार, और ये सिर्फ लेखपाल के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी परीक्षा के लिए, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए जरूर पढ़िएगा। और जल्द ही वीडियो की भी बुक आप सबको आपके सामने रहेगी, और वीडियो को शानदार तरीके से मैंने कोशिश किया है कि आपको मिले चीजें रहे और आप चीजों को पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF 2019 में विश्व का कौन सा देश जो था ये पहले स्थान पर रहा, तब बताइएगा। भारत जो है पहले स्थान पर रहा, ठीक है ना। भारत निशानेबाजी में, विश्व कप निशानेबाजी में पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने सुषमा स्वराज पुरस्कार के घोषणा के, हरियाणा के द्वारा, असम के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। तो महाराष्ट्र तो होगा नहीं, और आपको जो है अब बचे 3 राज्य। ये तीनों राज्य जो है बीजेपी शासित राज्य माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिमाग लगाइएगा कि सुषमा स्वराज कहाँ की रहने वाली थी। तो सुषमा स्वराज जो थे ये हरियाणा की रहने वाली थी, और हरियाणा सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार योजना की शुरुआत आपको की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना ये आपको किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। तो सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु राज्य में आपको प्रारंभ किया गया है। कहां पे? तमिलनाडु। ये सब की सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट के, ठीक है ना। और गलतियां नहीं करिएगा, क्योंकि करंट का गलती होना लाजमी हो जाता है, ठीक ना। परीक्षाओं में जवाब देने जाते हैं तो कई चीजें दिमाग में रिटेक होती हैं, घूमते हैं। तो जब तक ज्यादा से ज्यादा जितना अभ्यास नहीं कर ले तब तक आपको गलतियां होने की संभावना बहुत अधिक। और आप में से बहुत बच्चे बहुत शानदार तरीके से, आप सब में से वही बच्चे, कुछ को मैं देख रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, उनमें से अधिकतर सुबह के क्लास में भी बच्चे रहते हैं। आप सबका जीवन जो है मंगलमय हो, इन्हीं मैं ढेर सारी कौन सी दुआएं दूं जिससे आप तरक्की कर जाएं बहुत ज़्यादा। यू डेवलप लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगना रात चौगुना आप प्रगति करें जीवन में, यही आपके लिए सुनहरा मौका है। साथ साथ ही सामान्य ज्ञान की किताब जो कि उमेश सर के द्वारा लिखा गया है, जबरदस्त तरीके से उमेश सर ने इसे लिखने का प्रयास किया है, और ये आपके सफलता में काफ़ी सहायक भी होगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्सु द्वीप जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये होन्सु द्वीप पर ही स्थित है, ठीक ना। ये होन्सु द्वीप पर ही स्थित है, और ये होन्सु द्वीप पर आपके समीप है जो फ्यूजियामा पर्वत जो है ये होन्सु द्वीप के समीप है स्थित है, जो जापान का सबसे बड़ा पर्वत है। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान में कहां पर परमाणु बम गिराया गया था, तो 6 अगस्त को आपको हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, 1945 नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। किसने गिराया था, तो अमेरिका के द्वारा यह परमाणु बम गिराया गया था। और इसी के साथ जापान सिलेंडर कर देता है 2 सितंबर
1945 ईस्वी को जो है कि जापान सिलेंडर करता है, सिलेंडर करने वाला अंतिम देश था, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। ये बातें भी आप सब याद रखे रहेगा। ये तिथि है सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति, वार की समाप्ति की तिथि, समाप्ति आपको जो है इसी समय होता है। नेक्स्ट, ये जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को डाइक कहते हैं, ड्यूमा रूस की संसद को कहते हैं। आपको कांग्रेस कहां के? तो यूएसए के संसद को। पार्लियामेंट कहां के? तो यूके या भारत के संसद को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। तो ये सभी बातें भी आप सब याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप सबने देखा शानदार तरीके से एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, आप सबको आपके सुनहरे भविष्य के लिए आप सब बड़े ही शानदार तरीके से पढ़े। अब किताबें आपके द्वार पर भी आसानी से मिल जा रही होंगे। जिन्हें दिक्कत होगा स्टडी 91 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही साथ उसमें नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके आप बातें पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको जो है शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।